Hello friends, I am Suresh Wadhwa, a practicing chartered accountant. Friends, today we will discuss, I would like to start in Hindi. क्योंकि मैं ये वीडियो हमारे देश के किसानों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आज हम एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिसके बारे में कभी बहुत ही कम चर्चा की जाती है. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी. दोस्तों, आम तौर पर हम सब जानते हैं कि कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. क्या किसान भी कोई कंपनी बना सकता है? सुन के हैरानी होगी, लेकिन हां, मोदी सरकार का एक सपना है किसानों की इनकम को डबल करने का. इसके तहत सरकार अपनी तरफ से जो कार्य कर रही है उसमें एक पड़ाव है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी. तो इस कॉन्सेप्ट की आज हम चर्चा करेंगे कि किसानों वाली कंपनी क्या है, कौन किसान ये किसानों वाली कंपनी बना सकते हैं, और किसानों वाली कंपनी का महत्व जो है इस साल के बजट से और ज्यादा बढ़ गया है जब से सरकार ने सभी किसानों वाली फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनीज को 5 सालों के लिए टैक्स की छूट दे दी है. तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, इसे कैसे बनाना चाहिए और इसमें हमें करना क्या है. दोस्तों, कोई भी 10 किसान या 10 से ज्यादा किसान, कम से कम 10 किसान होने चाहिए, अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है. तो कम से कम 10 किसान या कोई भी 2 किसानों से जुड़े हुए संगठन मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं. सवाल उठता है कि इससे होगा क्या? आज के दिन, और मैं समझता हूं हमेशा से, किसान भाइयों की समस्या हमेशा ये रही है, किसान केवल फसल उगाना जानता है. किसान अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से निर्भर है मंडियों पर, आढ़तियों पर, साहूकारों पर. यदि 10 या 10 से ज्यादा किसान मिलकर एक किसानों वाली कंपनी बनाएं, जिसे हम, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो किसान लोग अपने प्रोड्यूस को इस कंपनी के माध्यम से डायरेक्टली दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं. किसान लोग अपने उत्पाद को सीधे बड़े बड़े होटलों में इसे डायरेक्ट बेचा जा सकता है. तो किसानों वाली कंपनी बनाने के लिए क्या क्या जरूरत हमें चाहिए, क्या हमें, कौन लोग बना सकते हैं और कैसे बनेगी किसान वाली कंपनी? तो किसानों वाली कंपनी के बारे में जो कानून है वो हमें समझना होगा. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने का जो कानून है वो आज भी कंपनी अधिनियम 1956 से गवर्न होता है. कंपनीज एक्ट 2013 आ जाने के बावजूद भी आज भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज 1956 के कानून से बनती हैं. किसानों वाली कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम 10 किसान चाहिए. इन 10 किसानों में से कोई भी 5 लोग, आमतौर पर क्या होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, किसानों वाली कंपनी में आपको 5 डायरेक्टर चाहिए होते हैं. तो कम से कम 10 किसान, 5 डायरेक्टर, उन्हीं 10 किसानों में से ही 5 लोग डायरेक्टर्स का रोल भी ले लेंगे. और एक किसानों वाली कंपनी बनाने के लिए आपको जो नॉर्मल प्रोसेस है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको अपना पैन कार्ड देना है, अपना आधार कार्ड देना है, अपनी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट देनी है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसान होने का प्रूफ देना है. यहाँ आके किसानों को थोड़ी समस्या आती है. किसान होने का केवल एक व्यक्ति
जो सरकारी रिकॉर्ड्स में किसान है, केवल उसी व्यक्ति को ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का शेयर होल्डर बनने का अधिकार है। तो अब सवाल पैदा होता है कि कैसे साबित किया जाए कि एक व्यक्ति किसान है। आपके नाम पर कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, किसी भी सरकारी दस्तावेज से यह साबित हो रहा है कि आप किसान हैं। जैसे किसान अपनी फसल को जब सरकार के थ्रू या मंडी के थ्रू बेचता है, उसको नकल जमाबंदी मिलती है उसे, जिसे केवट कहा जाता है कुछ राज्यों में, तो वो रसीद चाहिए जिस पे किसान का नाम आता है। किसान होने का सबूत आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस कंपनी के हिस्सेदार नहीं बन सकते। तो मैं कहूंगा, आप यदि किसानों वाली कंपनी के थ्रू अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी कंपनी सेक्रेटरी से मिलें और इस विषय को और डिस्कस करें, किसानों वाली कंपनी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें उन 10 किसानों के बीच जो कंपनी बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं इससे, और इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है, इस साल के बजट में किसानों वाली कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में एक प्रोविजन लाया है कि यदि कोई भी किसानों वाली कंपनी जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसी कंपनियों को 5 सालों के लिए 100% टैक्स की छूट भी दी गई है। तो मैं समझता हूं इस प्रोविजन के बाद किसानों वाली कंपनियां खूब बनेंगी। पिछले 3 सालों में हमने खुद हरियाणा, पंजाब के हर जिले में लगभग हमने काफ़ी किसानों वाली कंपनी बनाई हैं, और इन सभी कंपनियों ने बहुत ही अपार सफलता हासिल की है। ज़रूरत है एक टीम बिल्डिंग की, किसान लोग मिलकर, किसान लोग कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी बन सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग भी कर सकते हैं, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने सवाल कमेंट्स के थ्रू मेरे से और पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी आपको आपके सवालों का जवाब देते हुए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम कुछ और बातें किसानों से जुड़ी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।